फ्रेंड्स, आपको मालूम है बेस कैसे देते हैं या परफेक्ट बेस कैसा होना चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत यूजफुल है क्योंकि आज हम सीखेंगे परफेक्ट बेस देना, यानी कि जो हम आर्ट बनाते हैं, कई आर्ट ऐसी होती है जिनके ऊपर बेस देकर ही आर्ट की जाती है, और बेस कैसे देना है, किसके ऊपर कौन सा बेस अच्छा होता है, जैसे कि हम MDF पर भी बनाते हैं, हम कार्डबोर्ड पर भी बनाते हैं, हम प्लाईबोर्ड पर भी बनाते हैं, इनकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, बेस किसके ऊपर कौन सा अच्छा होता है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को विदाउट स्किप देखिएगा क्योंकि आपको बहुत ही छोटी छोटी जानकारी मिलने वाली है जो आपकी आर्ट बनाने में हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बेस तो दे ही रहे हैं, लेकिन हमारे पास में बहुत कमेंट आते हैं कि वाइट सीमेंट से हम बेस दे सकते हैं क्या, और वाइट सीमेंट का उपयोग हम बेस के साथ साथ जो बोतल है उस पर भी कैसे करें, क्योंकि बोतल के लिए भी मेरे पास में बहुत आते हैं। तो आज हम वाइट सीमेंट का बेस देंगे, लेकिन आपको मालूम है कि वाइट सीमेंट को अगर हम किसी भी वुडन पर लगाते हैं तो वो हट जाती है, उस पर रुकती नहीं है, सूखने के बाद आप देखोगे झड़ जाएगी। लेकिन आज हम एक ऐसी चीज यूज करेंगे जिसके बाद में अगर हम वाइट बेस लगाते हैं तो वो नहीं हटेगा, पर वो चीज है क्या, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम MDF पर बेस देंगे, ये दो तरह का है, थिन और थिक। तो मैं यहाँ पे थिन MDF का यूज कर रही हूँ, ये 5 mm से ऊपर है, और ये है फ्रेंड्स एक्रिलिक व्हाइट पुट्टी, जिसे हम एक्रिलिक टेक्सचर पेस्ट भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा पेस्ट है फ्रेंड्स, और बहुत फाइन भी होता है। स्प्रेड करने के लिए आप कोई भी प्लेन आयरन पत्ती या इस तरह का स्टिकर यूज कर सकते हैं। पेस्ट लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बेस आ रहा है, एकदम स्मूथ। बेस फैलाते वक्त ध्यान रखना है कि जो हमारी पेस्ट थिकनेस है वो एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम जो भी आर्ट बनाएंगे वो बहुत अच्छी बनेगी, और एकदम क्लीन बेस बना है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स बेस जो आप इस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन जैसे ये टेक्सचर पेस्ट भी है तो आप इस तरीके से इसके ऊपर टेक्सचर भी दे सकते हैं, कॉम से डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह के डिजाइन बहुत सुंदर लगते हैं, और इसकी तो आजकल बहुत तरह की आर्ट बन रही है, और इस डिजाइन की आजकल बहुत आर्ट बन रही है। तो चलिए इसको हम एक तरफ रख देते हैं, और अब मैंने बाउल में सिरेमिक पाउडर लिया है और उसके अंदर फेविकॉल MR डाला है, अच्छे से मिक्स करेंगे, पाउडर का दाना नहीं होना चाहिए। मिक्स करने के बाद पेस्ट की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। फेविकॉल को फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए, ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन गया है, और ये पेस्ट हम थिक MDF पर यूज करेंगे। MDF की थिकनेस 8 mm से ऊपर होनी चाहिए। स्पून से इस तरह से पेस्ट डालने के बाद उसी तरीके से फैलाना है जैसे कि हमने इससे पहले फैलाया था। फ्रेंड्स, पेस्ट फैलाने की टेक्निक एक जैसी होती है, बस हमें अच्छे से स्प्रेड करना होता है। और ये देखिए ये जब मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ तो एक दाना आ गया है जो कि हमें परेशान कर रहा है, तो इस तरह के दाने नहीं आने चाहिए। तो इसके लिए आप एक कपड़े में अपने पाउडर को जरूर छान लीजिए, उसके बाद ही यूज करिए। और फ्रेंड्स, स्प्रेड करते वक्त चारों तरफ से पत्ती को चलाइए, यानी कि एक साइड से ले जाने के बाद उसके बाद में अपोजिट से भी लाइए, क्योंकि इस तरह से करने से हमारा पेस्ट अच्छे से स्टिक हो जाता है। और ये देखिए कितना फाइन हमारा पेस्ट लग गया है जो हमने सिरेमिक का बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इसको भी ड्राई होने रख देते हैं, और ये हमारे दो तरह के पेस्ट हो गए जो हमने MDF पर दिए हैं, और अब हम देंगे प्लाई पर। फ्रेंड्स, प्लाई के ऊपर हम मार्बल पाउडर का पेस्ट यूज करेंगे। मार्बल पाउडर का पेस्ट भी बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है जैसे कि हमने सिरेमिक का बनाया है। कंसिस्टेंसी भी इस तरह की होनी चाहिए जैसी हमने उसकी रखी है। प्लाई के ऊपर मार्बल पाउडर का पेस्ट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम पर्शियन आर्ट करते हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। प्लाई की थिकनेस भी 8 mm से ऊपर होनी चाहिए, और अगर वाटरप्रूफ है तो बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, कई बार बोलते बोलते मैं ऐसी लैंग्वेज यूज कर जाती हूँ जो कि बहुत गाँव से है। मैं एक गाँव से हूँ तो मेरी वो टंग बोलने की है, तो प्लीज आप इसको इग्नोर करिए। और यहाँ मैं प्लाई के ऊपर आधे पर इसको पेस्ट को लगा रही हूँ, आधे पर हम दूसरा काम करेंगे। मार्बल पाउडर के पेस्ट को फैलाना भी उसी तरीके से है, किसी भी प्लेन सरफेस से फैलाना है, बिल्कुल उसी तरह से स्प्रेड करना है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। बस सबकी जो लुकिंग है वो बिल्कुल अलग होती है, और जो देने का तरीका है वो एक ही होता है, लेकिन हमें किस पर कौन सा देना है ये हम आज जान रहे हैं। तो ये देखिए, ये मार्बल पाउडर का पेस्ट भी हमने लगा दिया है, काफी स्मूथ है। तो अगर पाउडर अच्छा है तो सारे पेस्ट बहुत स्मूथ और अच्छे बनेंगे, अगर पाउडर में दाना है तो कभी भी आपका पेस्ट अच्छा नहीं बनेगा।
होगा। चलिए तो ये भी हमारा तैयार हो गया और इसे हम अलग रख देते हैं। वैसे मैं बता दूं, मार्बल पाउडर का पेस्ट आप सिर्फ प्लाई के ऊपर ही दे सकते हैं, क्योंकि जब हम पर्शियन आर्ट करते हैं तो इसी बेस का यूज करते हैं। और वैसे भी पर्शियन आर्ट तो पूरी ही मार्बल पाउडर से होती है, क्योंकि उसी की कोन बनाकर यूज करते हैं। अब हमारे तीन तरह के बेस हो गए, कि हमने MDF पर दे लिया, प्लाई पर दे दिया, और अब बचा है हमारा कार्डबोर्ड। फ्रेंड्स, कार्डबोर्ड के लिए सब लोग बहुत उत्सुक रहते हैं कि उसको कैसे यूज करें। तो यहाँ मैंने राउंड शेप का कार्डबोर्ड लिया है। जब हम स्क्वायर कार्डबोर्ड लेते हैं तो उसको फिनिश करना बहुत आसान होता है, लेकिन राउंड वाला जो है उसके अंदर जो किनारी है वो अच्छी नहीं लग रही है। तो पहले तो हम इसे फाइन करेंगे। और ये देखिए, सारा मास्किंग टेप लगने के बाद जो हमारा राउंड कार्डबोर्ड है वो कितना अच्छा हो गया। चलिए अब हम इसके ऊपर करते हैं बेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ ज्यादा करके मैं व्हाइट कलर करके भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि व्हाइट कलर करने के बाद में भी ये अच्छा हो जाता है। वैसे तो मैं कार्डबोर्ड का कम यूज करती हूँ। तो यहाँ आधे पर मैंने कलर लगाया है व्हाइट एक्रिलिक कलर, कोई भी ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ एशियन पेंट्स वाला ही यूज किया है, आप वो भी कर सकते हैं। ये मैंने अपनी कलर वाली वीडियो में बताया है कि कलर कैसे यूज करना है, कौन से कलर कहाँ लगा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसकी लिंक ऊपर दी हुई है, वहाँ क्लिक करिए और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आधे पर व्हाइट कलर करने के बाद फ्रेंड्स, आधा जो बचाया है वहाँ हम लगाएंगे टेक्सचर पेस्ट। टेक्सचर पेस्ट बहुत आसानी से किसी भी ड्राइंग शॉप होती है वहाँ मिल जाएगा। टेक्सचर पेस्ट बहुत स्मूथ और बहुत ही फाइन होता है, मतलब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है ये, और इसे लगाने में भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके बाद में जो फिनिशिंग आती है वो बहुत सुंदर आती है। ये आर्टिस्ट वाला टेक्सचर पेस्ट है, ये वो नहीं है जो एक्रिलिक पुट्टी हमने करी थी वो अलग है, वो एक्रिलिक टेक्सचर पेस्ट अलग है और ये आर्टिस्ट वाला टेक्सचर पेस्ट है। बहुत से लोग फ्रेंड जैसो भी यूज करते हैं पर मैं सोचती हूँ कि कार्डबोर्ड पर जैसो की जरूरत नहीं है, टेक्सचर पेस्ट से भी काम हो सकता है। और ये देखिए, ये मैंने टेक्सचर पेस्ट लगा लिया है, कितना स्मूथ और कितना अच्छा आया है। फैलाना उसी तरीके से है जैसे मैंने और सब में बताया है। तो ये देखिए, ये लगाने के बाद बहुत सुंदर दिख रहा है। आप प्लेन इस तरीके से छोड़ सकते हैं, और इसके अंदर आप टेक्सचर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और यहाँ मैंने पैलेट नाइफ से ही टेक्सचर दिया है, और ये देखिए इसके बाद में जो टेक्सचर है वो कितना अच्छा आया है। तो यहाँ मैंने आपको आज टेक्सचर देना भी सिखा दिया और साथ में बेस देना भी सिखा दिया है। इसके बाद में जो टेक्सचर की लुकिंग है बहुत सुंदर लग रही है, और सबसे अच्छी बात, जैसा हम टेक्सचर देते हैं वैसा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि वो सूखने के बाद फ्लैट हो जाएगा या फिर मेल्ट तो नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होता, जैसा हम छोड़ेंगे वैसा ही रहेगा। तो चलिए, इसको भी हम एक तरफ रख देते हैं। आप चाहें तो प्लेन भी कर सकते हैं, मैंने तो टेक्सचर करके छोड़ दिया है, पर प्लेन भी आप बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने और पेस्ट को छोड़ा था। अब हमारा कार्डबोर्ड का बेस भी हो गया, प्लाई का भी हो गया, MDF का भी हो गया, लेकिन इसके बाद भी मेरे पास एक कमेंट आता है कि क्या हम व्हाइट सीमेंट से दे सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, वैसे व्हाइट सीमेंट से हम दे सकते हैं, पर आपने देखा होगा कि हम जब वुडन पर व्हाइट सीमेंट लगाते हैं तो सूखने के बाद वो झड़ जाती है। अब वो झड़े नहीं, उसके लिए हमें क्या करना है? तो चलिए, मैं आज ही आपके साथ में एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ये मैंने इससे पहले कभी नहीं किया है, अगर सक्सेस हो जाता है तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ मैंने प्लाई के ऊपर एक ये कॉटन पट्टी ली है, ये पट्टी तो आप जानते हैं जब हमारे यहाँ कभी लग जाती है तो उसके ऊपर बांधते हैं, ये वही पट्टी है, ये मेडिकल कॉटन पट्टी है। और इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और उसको फेविकॉल में पानी मिलाकर के प्लाई के ऊपर स्टिक कर लिया है। एक के बाद में एक मैंने दो बार पट्टी लगाई है, क्योंकि सिंगल बार थोड़ा सा पतला लग रहा था कि पता नहीं अच्छे से स्टिक हो पाएगा कि नहीं हमारा सीमेंट। पट्टी लगाने के बाद फ्रेंड्स, इसको हम ड्राई होने रख देंगे। तो जब तक हमारी ये पट्टी ड्राई हो रही है तब तक हम सीमेंट को तैयार कर लेते हैं। ये व्हाइट बिरला व्हाइट सीमेंट है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। सीमेंट को मैंने एक बाउल के अंदर डाला है और उसके अंदर मिलाया है फेविकॉल, और फेविकॉल मिलाने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें फ्लो में गिरता हुआ पेस्ट बनाना है। मैंने यहाँ सीमेंट को डायरेक्ट यूज कर लिया है, तो मुझे हल्का सा दाना दिख रहा है सीमेंट के अंदर, लेकिन आप जब यूज करेंगे तो आप इस सीमेंट को भी छान कर ही यूज करिए, क्योंकि पेस्ट के अंदर जो दाना है वो हमें बेस देने में परेशान करता है। पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, मिलाने के बाद देखिए जो दाना है वो दिख रहा है, तो वही है कि अच्छा नहीं लग रहा। मैं पहली बार दे रही हूँ इसलिए ये गलती हो गई, लेकिन आप मत करिएगा। आई होप कि ये हमारा बिल्कुल अच्छे से बन जाए।
क्योंकि ये मैं आपके साथ पहली बार बना रही हूँ, एक्सपेरिमेंट मैं आप ही के साथ कर रही हूँ। तो देखते हैं कल क्या रिजल्ट आएगा। कल से मतलब है कि इसको ड्राई होने में टाइम तो लगेगा। जो भी हम पेस्ट रखते हैं उसको अगर ओवरनाइट ड्राई होने रख देते हैं तो ज्यादा अच्छा है। चलिए देख लेते हैं कैसा बना है। माता जी का नाम लेते हैं, जय माता रानी, और देखते हैं सारे पेस्ट कैसे बने। तो सबसे पहले ये है हमारा MDF का वेस्ट जो हमने थिन वाला दिया था, बहुत फाइन, बहुत अच्छा है। दूसरा ये है सेरेमिक वाला, तो सेरेमिक वाला भी बहुत शानदार आया है। और थर्ड हमने दिया था प्लाई के ऊपर यानी कि मार्बल पाउडर का, तो मार्बल पाउडर का भी बहुत अच्छा है। और इसके बाद है कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड पे हमने जो टेक्सचर दिया था वो आज भी वैसा की वैसा ही है जैसा हमने दिया था। प्लेन भी छोड़ सकते थे लेकिन प्लेन की लुकिंग वही आती जो और सबकी आई है। फ्रेंड्स, जब हम बेस देते हैं उसके बाद में एक फायदा और है कि जैसे मैं जब कलर करती हूँ तो व्हाइट कलर करती हूँ, लेकिन बेस देके बनाते हैं तो व्हाइट कलर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी बेस देने का एक फायदा है। और सबसे लास्ट में जिसका हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो है व्हाइट सीमेंट। और ये देख सकते हैं व्हाइट सीमेंट का बेस तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने जो पट्टी लगाई थी ना उसका भी टेक्सचर आ रहा है, यानी कि जो जाली थी वो भी दिख रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा थिक मैंने सीमेंट नहीं लगाई थी, एक पतली लेयर ही लगाई थी। पर मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है और आज हमारा ये सक्सेस भी हो गया। फ्रेंड्स, आज का वीडियो तो बहुत यूजफुल रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए जिससे मैं इस तरह के यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। और चलिए मिलते हैं एक नई आर्ट के साथ।